चीन का एक ऐसा बंदा जो दर्जनों अंडे ऐसे ही पी जाता है जैसे कोल्ड ड्रिंक हो, एक ऐसा सुअर जो पेंटिंग करता है और इस बैंक ने की ऐसी गलती जिससे मोदी जी फंसने वाले थे, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, सोशल मीडिया के दौर में लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते, अब इन भाई साहब को ही ले लो। चाइना के रहने वाले इस व्यक्ति का ये वीडियो हाल ही में इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे फेसबुक पर यूनी लेड के नाम के अकाउंट से शेयर किया गया था। इस वीडियो में ये व्यक्ति 15 सेकंड में 50 अंडे पी रहा है, जिसे उसने 5 बियर ग्लास में डाला हुआ है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को फेमस होने का कितना खतरनाक भूत चढ़ा है। नंबर 1, दुनिया भर में कई ऐसे पेंटर्स हैं जिनकी पेंटिंग्स खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करने में जरा भी नहीं झिझकते, पर आज हम आपको एक ऐसे पेंटर से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी पेंटिंग्स तो लाखों में बिकती है पर वो पेंटर इंसान नहीं है। मिलिए पिकासो से। साउथ अफ्रीका के कैप टाउन से कुछ दूरी पर रहने वाली ये 3 साल की सुअर कुछ इस तरीके से कलर्स का इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग्स बनाती है। इसकी पेंटिंग्स इतनी फेमस हैं कि ब्रिटेन के प्रिंस हैरी भी इसके कस्टमर्स की लिस्ट में शामिल है। नंबर 7, आपने आज तक कई तरीके के समुद्री जीव देखे होंगे, पर आज हम आपको एक ऐसा जीव दिखाने जा रहे हैं जो अगर आपकी आंखों के सामने भी आ जाए तो भी आप उसे देख नहीं पाएंगे। फोटो में दिख रहे इस जीव का नाम है लाचिया पैसिफिया। अब आप कहेंगे कि क्या मजाक है, ये फोटो में तो कोई जीव नहीं दिख रहा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जीव कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसकी बॉडी पानी में ऐसे ही दिखाई देती है जैसे पानी में डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा हो गए हैं। इस जीव को पहली बार 1908 में इटालियन जियोलॉजिस्ट आर्टुरो आइजेल ने दुनिया के सामने रखा था। है ना ये मजेदार जीव का मजेदार फैक्ट। नंबर 6, अगर आपको किसी का फेवरेट फूड आइटम जानना है तो आपको उससे पूछना पड़ेगा, पर आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं उन्हें देखते ही आप पता चल जाएगा कि उनका फेवरेट फूड आइटम क्या है। मिलिए हैरी स्पेरल से। फ्लोरिडा के रहने वाले हैरी को हैमबर्गर काफी पसंद है और ऐसा आप उन्हें देखते ही बता देंगे, क्योंकि वे जिस बाइक को चलाते हैं वो हैमबर्गर जैसी दिखती है, जिस बेड पर सोते हैं वो हैमबर्गर जैसा दिखता है, जिस कार को चलाते हैं वो हैमबर्गर जैसी दिखती है। यही नहीं, उनके 250 स्क्वायर फुट में फैले घर में आपको ज्यादातर चीजें हैमबर्गर के शेप की ही दिखेंगी। स्पेल का कहना है कि वे पिछले कई 29 साल से हैमबर्गर जैसी दिखने वाली चीजों को कलेक्ट कर रहे हैं और फिलहाल उनके पास 6000 आइटम्स हैं जो हूबहू हैमबर्गर जैसे दिखते हैं, जिसके चलते इन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। नंबर 5, अगर आप गूगल पर दुनिया की पहली 4-व्हील स्टीयरिंग ड्राइव कार सर्च करेंगे तो वहां आपको होंडा द्वारा 1989 में बनाई गई प्रीलूड का नाम देखने को मिलेगा, पर आज हम आपको दुनिया की पहली 4-व्हील स्टीयरिंग ड्राइव कार दिखाएंगे। वीडियो में दिख रही ये कार दुनिया की पहली 4-व्हील स्टीयरिंग कार है, जिसे इन्वेंटर मॉरिस बिशप ने 1968 में बनाया था। यूके में बनी इस कार का नाम था मोबी 1, जिसको कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम आती थी, जिसके चलते इसके प्रोडक्शन को रोक दिया गया और आगे जाकर होंडा ने इसी कार में कुछ मॉडिफिकेशंस किए और प्रीलूड लॉन्च कर दी। नंबर 4, इस फोटो को दिखाकर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि ये किसी डरावनी फिल्म का कोई सीन है जहां हजारों खाली घर दिखाए गए हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फोटो एक असली टाउन की है। क्या है पूरी कहानी, चलिए आज आपको बताते हैं। इस टाउन का नाम है बुर्ज अल बाबास, जो कि टर्की के नॉर्थ वेस्ट रीजन में मौजूद है। इस टाउन को 2014 में कंस्ट्रक्शन एंटरप्रेन्योर्स दी या डेल एंड ब्रदर्स ने $2,000 मिलियन की लग्जरी कम्युनिटी के रूप में डेवलप करना शुरू किया, जिसे डिज्नी पार्क में मौजूद कैस्टल से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा था। जब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ तो इसके कई कैस्टल अरब ट्रेडर्स ने खरीद लिए और उसी दौरान टर्की में बहुत बड़ा इकॉनमी फॉल हुआ और इसे बनाने वाले याडेलैंड ब्रदर्स बैंकक्रप्ट हो गए और 2019 में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और तब से ये प्रोजेक्ट एक भूतिया फिल्म के सीन का रूप ले चुका है। नंबर 3, आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी पर्टिकुलर शब्द को बोलना चाहते हैं जो आपके दिमाग में तो होता है पर जुबान पर नहीं आ रहा होता है। असल में इस कंडीशन को मेडिकल टर्म्स में लिथियोलॉजिका नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि दुनिया में आप ही अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिनके साथ ऐसा होता है, बल्कि दुनिया का हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कई बार इस मेडिकल कंडीशन का शिकार हो जाता है। ऐसा उस टाइम होता है जब हमारा दिमाग हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने से इनकार कर देता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कमेंट्स में लिखकर बताएं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड।
अगर ठंड के मौसम में आपको आम खाने हो तो जाहिर सी बात है आपको फ्रोजन आम ही मिलेंगे, क्योंकि आम का सीजन गर्मियों में होता है। फ्रूट्स को फ्रेश रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फ्रोजन टेक्निक सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं, आपको बता दें कि इस टेक्निक का इस्तेमाल वुड फ्रॉग भी करता है। अमेरिका में पाया जाने वाला ये मेंढक ठंड के मौसम में अपनी बॉडी को जमा लेता है और जैसे ही ठंड खत्म होने लगती है ये वापस से नॉर्मल रूप में आ जाता है। ऐसा ये अपने आप को लंबे टाइम तक जिंदा रखने के लिए करता है। क्या आप इस इफेक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 1, बैंकों से कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता नहीं। यहां हम नीरव मोदी जैसे लुटेरों को लोन देने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये मामला काफी अलग है। एमपी के भिंड डिस्ट्रिक्ट के एसबीआई में दो लोगों ने खाता खुलवाया और इत्तेफाक से दोनों का नाम हुकुम सिंह था। ब्रांच मैनेजर ने गलती से दोनों हुकुम सिंह को सेम ही अकाउंट नंबर दे दिया। अब एक हुकुम सिंह अपने खाते में पैसे डलवाते और दूसरे को लगे कि उसके खाते पर मोदी जी की कृपा हो रही है और भैया ने 6 महीने में कुल 89,000 रुपए उड़ा दिए। अब जो हुकुम सिंह बैंक में पैसे डलवा रहा था वो पैसे निकालने गया तो उसे अपने खाते से 89,000 रुपए गायब मिले और उसने ब्रांच में इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद हुई जांच में सारी असलियत सामने आई। अब क्या, अब एक हुकुम सिंह का वहम खत्म और एक का कट गया। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।